आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक। इससे पूर्व हमने विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा था, वे कितने प्रकार के होते हैं आदि। आज हम केवल प्रतिभाशाली बालकों के बारे में अध्ययन करते हैं। वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्तिवान एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं। ऐसे बालक 140 या इससे अधिक की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू वाले होते हैं। इनकी लंबाई सामान्य से 1 या 2 इंच ज्यादा ऊंचे होते हैं। वजन में विद्यालय में प्रवेश के समय 4 से 5 पाउंड भारी होते हैं। इनमें संवेगात्मक और रागात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की विशेष क्षमताएं पाई जाती हैं। टर्मन और ओडन ने बताया है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, शारीरिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। ये बात इन्होंने अपनी एक पुस्तक है द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप उसमें कही थी। दूसरे मनोवैज्ञानिक बीटी उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं, 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। स्किनर तथा हैरिमन ने बताया है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, जबकि क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया है कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में 1 या 1 से अधिक विशेष योग्यता रखते हैं। स्किनर तथा हैरिमन ने प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो शब्दकोश होता है वो विशाल होता है, उनकी मानसिक प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नताएं रखते हैं, वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता रखते हैं, उनमें सामान्य ज्ञान की कुछ फर्क ज्यादा होती है, सामान्य अध्ययन में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, अध्ययन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं, जो दिखाई दे रही होनी और जो नहीं दिखाई दे रही उनमें भी वो ज्यादा रुचि रखते हैं, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण है, मंद बुद्धि और सामान्य बालकों से अरुचि होती है, पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि और या अरुचि दोनों ही होती है, यदि कुछ विषय को बहुत अच्छे प्यार करते तो कुछ विषय को वो प्यार नहीं भी करते, विद्यालय के कार्यों में बहुधा उदासीन होते हैं, बुद्धि परीक्षाओं में उच्च लब्धि बुद्धि 130 से लेकर के 170 तक हो सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम किस प्रकार करेंगे? पहला है परीक्षण के आधार पर, दूसरा है अवलोकन के आधार पर, तीसरा है अभिलेखों द्वारा। पहला हमने पढ़ा कि परीक्षण के द्वारा, तो परीक्षण किस प्रकार का, यहाँ पे हम टर्मन और विनय महोदय के अनुसार जो परीक्षण विधि उन्होंने बताई, उन्होंने बताया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा जीवन या वास्तविक आयु गुणित 100। अवलोकन द्वारा कैसे, अर्थात उनकी गतिविधियों पर नजर रख करके बालक दिन भर या वार्षिक पूरे साल भर में क्या करता है क्या नहीं करता है। तीसरा अभिलेखों द्वारा अर्थात विद्यालय द्वारा जो रजिस्टर तैयार किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स आदि के आधार पर भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 140 से अधिक होता है। बिंडले महोदय के अनुसार आईक्यू जो होता है वो 110 से अधिक होता है और हैक के अनुसार आईक्यू 125 होता है, अर्थात जिन बालकों की आयु इनके अनुसार है वे प्रतिभाशाली है। दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण से, जिनका सामाजिक व्यवहार समाज के अनुकूल हो अर्थात मान्य हो,
मान्य व्यवहार को अपनाते हों। लगभग 2% बालक इस प्रकार के व्यवहारों को अपनाते हैं। तीसरा है, सांख्यिकी दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी भी समुदाय की 20% उच्चतम जनसंख्या का भाग प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। यूएसए के अंदर अगर कहा जाए तो उनका जो कमीशन ऑफ एजुकेशन है उनके अनुसार 3-5% तक बालक प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन किसी समुदाय की अगर बात की जाए तो मात्र 2% प्रतिभाशाली बालक किसी भी समुदाय में होते हैं।